लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपको प्यार नहीं मिल पाता है तो शायद सब कुछ बेकार सा लगता है। प्यार अमीरी गरीबी, नाम या पैसा या कास्ट देख के नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है सीधा सच्चा सा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे शायद ही आपने सुना हो। कहानी एक पेपर बॉय की है जिसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है, और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक मेघा नाम की लड़की से होती है जो कि सिर्फ 6 मंथ की मेहमान है, मतलब कुछ 6 महीने तक ही जिंदा है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी होती है जो डॉक्टर ने कहा है कि वो सिर्फ 6 मंथ के ही होगी। वो अपनी बची हुई जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहती है। उसका कहना है कि अगर इस दुनिया में कोई भी आया है तो उसका कोई ना कोई जरूर कोई उद्देश्य होता है जो हर इंसान को पूरा करना चाहिए। ऐसे में उसे एक दिन एक मंदिर से डायरी मिलती है जो कि एक रवि नाम के लड़के की है जिसने बीटेक कर रखा है। उसे एक अमीर घर की लड़की धरनी से प्यार हो जाता है। वो उसके घर में रोज सुबह पेपर डाला करता था। ऐसे में धीरे 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 उस लड़की धरनी को भी रवि से प्यार हो जाता है। धरनी अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए मना लेती है, लेकिन अमेरिका में उसके जो भाई रह रहे होते हैं उन दोनों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी बहन को ऊपरी मन से दिखावे के लिए बोल देते हैं लड़का अच्छा है, वो खुश है। लेकिन उसके पीछे वो रवि के घर जाते हैं और घर पे रवि और रवि के माँ बाप की इतनी बेइज्जती करते हैं कि वो लोग धरनी से काफी दूर चले जाते हैं। कहानी में यहीं से बेहद रोमांचक मोड़ आता है। मेघा डायरी जो पढ़ रही होती है उसको बस यहीं तक कहानी उसमें लिखी हुई होती है, वो इतनी ही पढ़ पाती है। आगे मेघा सोच में पड़ जाती है आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, वो सोचती रहती है और वो अपने मन में ठान लेती है कि मैं सच का पता लगाती रहूंगी और वो सच की राह पर निकल पड़ती है। अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या हुआ होगा ऐसा कि वो लोग मिल पाए या नहीं मिल पाए या वो जिंदा रहा या नहीं रहा, जो भी है अगर आपको भी कहानी में आगे जानना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी जो कि आपको आराम से YouTube पर मिल जाएगी हिंदी में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मुझसे कोई गिला शिकवा या शिकायत हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाऊंगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।